तो आज हम सीख रहे हैं पाइवट टेबल के बारे में। तो पाइवट टेबल क्या होता है, सबसे पहले आप समझ लें कि ये एक डेटा एनालाइजिंग टूल है जिसके ज़रिए आप डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स कि आप डेटा में से इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अब ये किस तरह से यूज़ करते हैं, मैंने इसके लिए एक शीट बना रखी है यहाँ पे जिसका नाम है सेल्स प्रोग्रेस। इस शीट में आप देख सकते हैं कि एक तरफ एक फील्ड कॉलम है जिसमें सीरियल नंबर्स हैं और तकरीबन उसमें कितने सीरियल नंबर्स मौजूद हैं, 102 सीरियल नंबर्स यहाँ पे मौजूद हैं, यानी कि 102 एंट्रीज इसके अंदर मौजूद हैं। और हर एंट्री के अगेंस्ट में जो लिखा हुआ है, स्मार्टफोन लिखा हुआ है, आइटम का नाम, मंथ में एक मंथ डिफाइन किया गया है और सेल्समैन में एक सेल्समैन का नाम डिफाइन किया गया है, जबकि प्राइस में उसके डिफरेंट प्राइस यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो ये अलग अलग एंट्रीज हैं। अब इस शीट में हो ही रहा है कि स्मार्टफोन यहाँ पे भी सेल हो रहा है, यहाँ पर भी सेल हो रहा है, यानी कि एक आइटम कई बार सेल हुआ है और वही आइटम मुख्तलिफ मंथ में सेल हुआ है और मुख्तलिफ सेल्समैन ने उसको सेल किया है, और प्राइस में भी वो डिफरेंट प्राइसेस में सेल हुआ है, यहाँ पे उनके प्राइस भी लिखे हुए हैं। अब करना ये है कि इसको डेटा को एनालाइज कैसे करेंगे। इस डेटा को एनालाइज करने के लिए आपको करना ये पड़ेगा कि आप यहाँ पे कहीं भी क्लिक करके इसके ऊपर इस शीट के अंदर क्लिक करके इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ से क्लिक करके एक ऑप्शन लेंगे पाइवट टेबल का। जैसे ही पाइवट टेबल का ऑप्शन लेंगे तो आपको यहाँ पे नजर आएगा कि आपका जो पूरा टेबल है वो सिलेक्ट हो चुका है। देख रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वैसे खुद ही सिलेक्ट कर लेगा आपकी 102 एंट्रीज को। इन केस अगर वो नहीं सिलेक्ट कर पा रहा है तो आप इसको यहां से हटा दें और फिर आप खुद सिलेक्ट करके बताएंगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास दो चॉइस है नीचे, तो ये कह रहा है कि न्यू वर्कशीट पर आप काम करना चाहेंगे या फिर इसी वर्कशीट पर काम करना चाहेंगे। तो बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग सेट हुई हुई है वो न्यू वर्कशीट की हुई हुई है, और अगर आप एग्जिस्टिंग पे करेंगे तो पाइवट टेबल इधर ही बना देगा, लेकिन अगर आप न्यू वर्कशीट पे करेंगे तो एक नई वर्कशीट यहाँ पे ऐड होगी बराबर में और उसके ऊपर आपका डेटा फेच हो जाएगा। जैसे हम इसको ओके करेंगे तो ये डेटा आपका, देखिए वहां से डेटा इधर फेच हो गया और ये शीट यहाँ मौजूद है और ये पाइवट टेबल यहाँ आ गया। इस शीट का मैं नाम रख लेता हूँ पाइवट टेबल सेल्स प्रोग्रेस, ठीक है। तो अब आइए अब इसको क्या करेंगे, जैसे आप पाइवट टेबल के अंदर आ जाएंगे तो यहाँ पर आप यहाँ क्लिक करेंगे तो वो पाइवट टेबल वाले जो ऑप्शंस थे वो गायब हो जाएंगे। जैसे आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे पाइवट टेबल पर, तो वो पाइवट टेबल के ऑप्शन यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएंगे। जब वो एक्टिवेट हो जाएंगे तो अब आप डेटा को कैसे एनालाइज करेंगे। डेटा एनालाइज करने से मतलब ये होता है, एक डेटा है, काफ़ी सारा डेटा हमारे पास मौजूद है, अब उसमें से हम कुछ इन्फॉर्मेशन निकालना चाह रहे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा डेटा जिसमें आइटम की सेल है, महीने का नाम है, सेल्समैन का नाम है जिसने उसको बेचा है और जिस प्राइस में बेचा है वो प्राइस भी लिखी हुई है, लेकिन इसमें से क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका जवाब ये है कि भाई आप जो है इसमें से ये इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप एक सवाल बनाएं कि मुझे ये मालूम करना है कि कौन सा आइटम कितने का सेल हुआ है। तो यहाँ पर आपको जितनी फील्ड्स हैं वो नज़र आ रही हैं और यहाँ पर आपको फिल्टर नज़र आ रहे हैं और दूसरा कॉलम नजर आ रहा है, तीसरा रो नजर आ रहा है, चौथा वैल्यूज नजर आ रहा है, यानी कि आप इन फील्ड को इन चारों खानों में सेट करके वो डेटा की इंफॉर्मेशन निकाल लेंगे। अब इंफॉर्मेशन निकालने का तरीका ये है, या तो आप वो इन्फॉर्मेशन कॉलम में लेंगे मतलब इस तरह, और दूसरा उसका जो इन्फॉर्मेशन है वो रोज में लेंगे मतलब आप इस तरह। तो अभी हमारा सवाल क्या है, कौन सा आइटम कितना सेल हुआ है, आइटम कितने का सेल हुआ है। तो सबसे पहला फिल्टर तो हमारा लगेगा आइटम के ऊपर, तो आइटम का फिल्टर हमारा कॉलम पे लगाएंगे तो देखिए इस तरह से आ गया, और रो पे लगाएंगे तो फिर देखिए डेटा हमारा इस तरह से आ रहा है। सही समझ में आ गई बात। अब अगर हम ऐसे देखना चाहें, हमारी मर्जी है, मतलब हम ऐसे रिजल्ट लेना चाहते हैं या रिजल्ट हम ऐसे लेना चाहते हैं ये हम पर डिपेंड करता है। तो ये आप देख लें, मैंने यहाँ पे ले लिया, अब मुझे सारे आइटम्स यहाँ पे इजीली नजर आ रहे हैं जिसमें एप्पल बनाना कंप्यूटर हार्ड डिस्क, यानी ये उस शीट के अंदर जितने आइटम थे उनका सिंगल रिकॉर्ड इसने यहाँ पे लाके रख दिया, भले वो 10 दफा बिका है लेकिन वो एक सिंगल एंट्री हमें यहाँ पे दिखा रहा है। अब उसको कितने का सेल हुआ, तो सेल की ऑप्शन किस में आ रहा होगा, प्राइस में, तो प्राइस को उठा के ले जाके हम कहाँ रख देंगे, वैल्यूज में रख देंगे। तो ये देखें लिखा हुआ आ गया, पहला सवाल का आंसर हो गया, कौन सा आइटम कितने का सेल हुआ है, एप्पल सेल हुआ है 3,653 रुपीज का, बनाना सेल हुआ है 2,949 रुपीज का, कंप्यूटर सेल हुआ है 3,126 रुपीज का, और इस तरह टोटल सेल आपके सामने आ रही है 29,187। सही है, अब सवाल को चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा और हम अपनी अंडरस्टैंडिंग, भाई किस महीने में कितनी सेल हुई है, तो ये भी अब मालूम करना आसान है। तो अब आप आइटम पे से चेक हटाएंगे और अब आप ले लेंगे मंथ को, जाके रोज पे रख देंगे तो हर महीने की सेल आपके सामने आ गई। सही है,
समझ में आ रही है। अब इसी सवाल को थोड़ा चेंज करते हैं कि भाई ये बताओ कि सेल्समैन ने कितनी सेल की है। तो सैम यही करेंगे, अब यहाँ पर वो प्राइस को नहीं रखेंगे, सेल्समैन को उठा के यहाँ रख देंगे रो के अंदर। अब देखिए हर सेलमैन की रो आपके सामने आ गई कि अनीस की सेल इतनी है, असद की सेल इतनी है, और जो आपके सामने आ रहा है अवेज़ और इफ्तिखार, चार सेल्समैन हैं जो इसमें उन्होंने सेल की है, उनका टोटल भी नीचे नज़र आ रहा है। सही, क्लियर हो गई बात, ये समझ में आ गई अच्छे तरीके से। तो ये देखें आप इसमें से एक तो इस तरह से इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। अब ये तो था सिंगल फिल्टर जो हमने लगाया, अब थोड़ा सा हम अपने सवाल को एक्सटेंड करते हैं। अच्छा, अब यही सवाल का जवाब जब हमने इसको रो में लिया, कॉलम में लेते तो क्या करते हैं, सिर्फ इसको इधर रख देते तो हर आइटम की सेल इस तरह से नजर आती, हर मंथ की सेल हमें इस तरह से नजर आती, हर सेल्समैन की सेल हमें इस तरह से नजर आती। सही, तो ये हम जैसे लेना चाहें वैसे ले सकते हैं। अब इसी सवाल के अंदर एक और सवाल हम निकाल लेते हैं मिसाल के तौर पे, कि अब यहाँ पर हमने कह रहे हैं कि भाई कौन सा आइटम कितने का सेल हुआ था, कौन सा आइटम किस महीने में सेल हुआ है, कौन सा आइटम किस महीने में सेल हुआ है। अब क्या करेंगे, पहले आइटम के ऊपर अपना फिल्टर लगाएंगे और किस महीने में सेल हुआ है तो महीने को उठा के हम फिर रख देंगे कॉलम्स के अंदर। ठीक है, अब दो चीजें तो रख दी लेकिन यहाँ पे आंसर तो कुछ नहीं आया, लेकिन आइटम की सेल जो है वो प्राइस के अंदर, तो प्राइस को उठा के आप यहाँ रख देंगे। तो यहाँ पर ये यह आ गया कि एप्पल जनवरी के महीने में 314 रुपए का सेल हुआ, जबकि बनाना जनवरी के महीने में सेल ही नहीं हुआ, कंप्यूटर भी जनवरी के महीने में सेल नहीं हुआ, और कंप्यूटर जो है फरवरी के महीने में 103 रुपए का सेल हुआ, मार्च के महीने में सेल हुआ। तो ये देखें इसने सारी इन्फॉर्मेशन आपको निकाल के दे दी, कौन सा आइटम किस महीने में सेल हुआ है। सही है, अब इसी के सवाल को थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं। ये तो हमें उसकी बता रहा है क्या वैल्यूज, कितने कितने का सेल हुआ है, हम ये मालूम करना चाह रहे हैं कितना कितना सेल हुआ है। सही है, मतलब कंप्यूटर एप्पल 314 रुपए का बिका है, लेकिन ये भाई कितने कितने बिके, एक बिका, दो बिके, तीन बिके, चार बिके। तो ये मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, वैल्यूज में जहां सम लिखा आ रहा है यहाँ पे क्लिक करके वैल्यू फील्ड सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पे सम फंक्शन को चेंज कर देंगे किसके साथ, ये लीजिए काउंट करके बता दिया, एप्पल जनवरी में एक बिका है, फरवरी में भी एक बिका है, मार्च में एप्पल दो सेल हुए हैं, लैपटॉप एक सेल हुआ और अगस्त में दो सेल हुए हैं, स्मार्टफोन अगस्त के अंदर तीन सेल हुए हैं। तो इस तरह भी आप इसमें से इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपने देखा किस तरह से हमने काम कर लिया। तो यहां से अगर हम दोबारा से इसकी सेल देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करेंगे और दोबारा से जाके इसको क्या कर देंगे, सम कर देंगे। तो ये इसका हमें सम बता रहा है। अब चलते हैं दूसरे, इसी इसी सवाल को हम दूसरे तरीके से कर लेते हैं। भाई किस महीने में कौन सा आइटम सेल हुआ है, किस महीने में कौन सा आइटम सेल हुआ है। तो हम आइटम को मंथ को उठा के यहाँ रख लेंगे, आइटम को उठा के यहाँ रख देंगे। तो ये देखिए बन गया, अब सारे महीने आ गए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। अब बता रहा है कि जनवरी के महीने में एप्पल 314 रुपए का बिका, जबकि हार्ड डिस्क 330 रुपए की बिकी, और जबकि मैंगो जो है वो 400 रुपए का बिका। तो जनवरी के महीने का हमारे सामने सम आ रहा है, और यहाँ पे आप जाके देखेंगे तो यहाँ पे जनवरी की टोटल सेल भी आ रही है साथ में। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है, आ रही है ना। तो इस तरीके से देखें ये सारी चीज आपके सामने क्लियर तरीके से आपको नजर आ रही है। ठीक है, अभी अभी इसी सवाल को थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं। किस सेल्समैन ने कौन सा आइटम सेल किया है, किस सेल्समैन ने कौन सा आइटम सेल किया है। तो अब सेल्समैन को कहाँ डालेंगे, तो सेल्समैन को हम डाल देते हैं यहां से उठा के मंथ की जगह पे, और मंथ को यहां से हम हटा देते हैं, और कौन सा आइटम है तो वो कॉलम में डाल दिया। तो देखिए सेलमैन के नाम आ गए, और सेलमैन के नाम आने के बाद उसमें ठीक है, तो सेल्समैन को हमने यहाँ पे रख लिया। अब सेल्समैन क्योंकि इस साइड पर आ गया तो आइटम हमने कहाँ रख दी, कॉलम्स में डाल दिया। तो अनीस ने जो एप्पल सेल किए हैं वो 1470 रुपीज के सेल किए हैं, बनाना 417 रुपए के सेल किए हैं, और जबकि कंप्यूटर जो है 453 रुपीज का सेल किया है, और टोटल सेल अनीस की भी आ रही है। इसी चीज को हम देखना चाह रहे हैं कि कितनी कितनी क्वांटिटी में सेल किया है, तो इसको कन्वर्ट कर देंगे वैल्यू सेटिंग्स में जाके काउंट के अंदर और ओके कर देंगे। तो ये देखें सब पता चल गया हमारे पास, सारी चीज आ गई यहाँ पर। ठीक है, इसी सवाल को थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं कि अगर हम सिर्फ ये मालूम करना चाहें किस आइटम को किस सेल्स ने सेल्समैन ने सेल किया, कोई भी आइटम है उसको किस सेल्समैन ने सेल किया है, तो हम आइटम नेम को उठा के फिल्टर में भी डाल देंगे। अब आइटम नेम को जैसे ही हम फिल्टर में डालेंगे तो आपके सामने
सेल्समैन का नाम नजर आ रहा है और आगे उसकी क्वांटिटी नजर आ रही है। अब हम यहाँ से क्लिक करते हैं, एक फिल्टर लगाएंगे यहाँ क्लिक करके, और फिल्टर लगाएंगे सिलेक्ट मल्टीपल पर, और चेक हटाएंगे ऑल पर से, और सिर्फ एप्पल की सेल मालूम करना चाह रहे हैं। किसकी सेल मालूम करना चाह रहे हैं? एप्पल को किस किस सेल्समैन ने सेल किया है। तो जैसे ही एप्पल पर चेक लगाएंगे, ओके करेंगे, तो देखिए अनीस ने एप्पल 4 बेचे हैं, असद ने 2 बेचे हैं, अभिष ने 3 बेचे हैं, और इफ्तिखार ने 2 बेचे हैं। अब साथ साथ मैं ये भी मालूम करना चाह रहा हूँ कि कितने कितने के बेचे हैं, तो प्राइस को उठा के दोबारा यहाँ पे रख देंगे, दो दफा प्राइस को रख दिया। तो अनीस ने 4 एप्पल 1470 रुपए के बेचे हैं, असद ने 2 एप्पल जो है 354 रुपए के बेचे हैं, जबकि अवेस ने 3 एप्पल जो है 1193 के, इफ्तिखार ने 2 एप्पल 636 रुपए के, यानी 636 रुपए के, और टोटल एप्पल जो इन चारों सेल्समैन ने सेल किए हैं वो कितने हैं? 3653। इस तरीके से आप अपने डेटा में से जिसे चाहें आप इसमें से आंसर निकाल सकते हैं। इसके लिए थोड़ी विजिलेंस की जरूरत होगी आपको, कि आपके पास ऐसा डेटा हो जिसमें से आप ऐसी इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हैं। तो ये टूल देखें, आपको डेटा आप सिर्फ आगे पीछे कर रहे हैं, ये उसकी रिपोर्ट्स बना के आपको दे रहा है, इसलिए ये टूल बहुत ज़्यादा कामयाब है और ये बहुत एडवांस टूल है। और इसके अलावा इसके और भी काम है, आप मल्टीपल आइटम पर भी देख सकते हैं, आप 2 पे चेक लगा दें, एप्पल के अलावा कंप्यूटर और लैपटॉप दोनों की सेल एक साथ देख सकते हैं, क्योंकि दोनों आइटम एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो आपने यहाँ से कंप्यूटर ले लिया और लैपटॉप ले लिया, चेक लगा दिया। अब आप कह रहे हैं कि भाई अनीस ने कंप्यूटर और लैपटॉप मिला के 3 बेचे हैं, असद ने 9 बेचे हैं, अवेश ने 1 बेचा है, इफ्तिखार ने जो है वो कितने बेचे हैं? 6 बेचे हैं। इनकी प्राइस भी सामने लिखी आ रही है। और यहाँ से अभी हम इसका जो है जो आइटम का नाम है वो हम यहाँ पे भी रखते हैं इसको। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से आ गया कि अनीस ने जो है कंप्यूटर 2 बेचे हैं, लैपटॉप 1 बेचा है, और जो कंप्यूटर जो बेचे हैं उसका सम है 453, और लैपटॉप जो बेचा है वो 160 रुपए का बेचा है, ठीक है। और टोटल पीस जो इसने बेचे हैं 3 बेचे हैं, देखिए खुद ही रिपोर्ट बना के दे रही इसने आप, ठीक है। इसी तरह इफ्तिखार का देखें तो इसने 3 कंप्यूटर 3 लैपटॉप बेचे हैं, जो टोटल सम है कंप्यूटर का 840 रुपए है, और लैपटॉप का सम जो है 800 रुपए, और टोटल 6 आइटम इसने बेचे हैं और उनका टोटल उनके नीचे आ रहा है। कंप्यूटर की टोटल सेल भी आ रही है यहाँ पे, कंप्यूटर की टोटल सेल भी आ रही है, लैपटॉप की टोटल सेल भी आ रही है, टोटल कंप्यूटर कितने के बिके, टोटल लैपटॉप कितने के बिके, टोटल पीस कितने बिके हैं, टोटल उनका जो ग्रैंड है वो भी आपको यहाँ पे खुद ही करके दिए जा रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह के टूल को हम कहते हैं पाइवट टेबल, जो जैसा हम गुमान करें, जैसा हम डेटा से इंफॉर्मेशन निकालना चाहें वो हमें निकाल के इजीली दे सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम सारे पे से चेक हटा देते हैं, और अब आपको एक सवाल हम दोबारा से बना लेते हैं। मिसाल के तौर पे आइटम मंथ सेल्स और प्राइस आ गया है हमारे सामने, तो अब अगर सेल मतलब हम क्या, हमने सारी तकरीबन क्वेरीज इसके ऊपर अप्लाई करके देखी और उसको समझने की कोशिश करी है, तो अब ये देख लेंगे मिसाल के तौर पे जनवरी के महीने में कंप्यूटर कितने सेल हुए, ये एक सवाल है। जनवरी के महीने में कंप्यूटर कितने सेल हुए, क्वांटिटी मालूम करना चाह रहे हैं ना। तो जनवरी का जो मंथ है वो मंथ में आएगा वो इधर रखेंगे, कंप्यूटर क्योंकि आइटम में आएगा उसको आप कॉलम में देखना चाह रहे हैं कॉलम में देख लें, रो में देखना चाह रहे हैं रो में देख लें। अब चूंकि उसके बाद क्या करेंगे, सेल आपकी वैल्यूज में चली जाएगी। अब आ जाएं आप यहाँ पे, पहले मंथ का फिल्टर जो है आप यहाँ से हटाएंगे और जनवरी पे चेक लगाएंगे, ठीक है। अब जो आपने पहले फिल्टर लगाया था आइटम के ऊपर, उस पर क्लिक करेंगे और उस पर किस पे लगाएंगे, सिर्फ कंप्यूटर पे लगाएंगे आप चेक, किस पे लगाएंगे, कंप्यूटर पे, और इसको जैसे करेंगे ओके, तो यहाँ पर हमारे सामने आ रहा है कि जनवरी में भाई कंप्यूटर जो है वो सेल ही नहीं हुए। अच्छा तो भाई जनवरी में कंप्यूटर सेल नहीं हुए, कुछ और सेल हुआ होगा, तो हमने कहा भाई ठीक है ऐसा करो लैपटॉप देखो सेल हुए, तो लैपटॉप पे चेक लगाया और ओके किया, तो जनवरी में लैपटॉप सेल हुआ है 139 रुपए का। अभी कितने सेल हुए हैं, तो अरे प्राइस को उठा के इसके नीचे रखेंगे और डबल क्लिक करके इसको यहाँ पे वैल्यू सेटिंग में जाके काउंट लगा देंगे, ओके कर देंगे, तो भाई एक ही पीस सेल हुआ, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप हर महीने का, अब जनवरी के अलावा आप ये देखना चाह रहे हैं लैपटॉप जो है जनवरी में नहीं, ये बताओ भाई दिसंबर के महीने में कितना सेल हुआ, ओके करेंगे, तो दिसंबर के महीने में कोई लैपटॉप सेल नहीं हुआ। तो इस तरीके से आप पाइवट टेबल को यूज करके अपना डेटा जितना चाहे एनालाइज करके उसमें से इंफॉर्मेशन निकाल के प्रिंट कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं किसी भी पर्पज के लिए। और यहां से हमने डेटा लिया था, ये यहां पे नजर आ रहा है, आप बाद में चाहें तो पहले इसको डिलीट कर दें यूज करके, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका डेटा यहाँ पे सेव रहेगा, ठीक है।